अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और आज मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो फ्राई ब्रेड स्नैक, जो कि बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसे शाम की चाय में बनाइए, आप बड़ा अच्छा लगेगा। आगे से माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे बनाइए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इजीली बन जाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और आलू को अब मैं मैश कर रही हूँ। आलू लेके तो बॉयल कर लिए थे, ठीक है, काट के बॉयल कर लिए थे और अब मैं मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैंने छोटे साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया है और एक हरी मिर्च में बारीक बारीक काट के ऐड कर दी है। साथ में 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। ¼ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। नमक ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। बाकी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं की, थोड़ी बहुत ही ऐड की हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है और ब्रेड के ऊपर ये अब मैं लगाऊंगी मिक्सचर जो बनाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली और टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। इस तरह से मैं सारी ब्रेड पे ये लगा लूँगी। अच्छा, ये देखें, अब बीच में से काट लेना है। ये ब्रेड के 4 हिस्से काट लेने हैं। इस तरह से मिक्सचर लगा के काटिएगा, इस तरह से मिक्सचर अच्छे से लग भी जाएगा और काटने में भी आसानी होगी। बड़े ज़बरदस्त है ना, ऐसे छोटे छोटे स्नैक बन जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। छोटों के साथ साथ बड़े भी बड़ी खुशी से खाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बच्चों के लिए तो है ही ज़बरदस्त चीज़। लंच बॉक्स में भी बना के आप दे सकती हैं बच्चों को। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं ब्रेड ऊपर मिक्सचर लगा के। अब इन्हें फ्राई करना है। फ्राई के लिए मैंने पैन में रख दिया है ऑयल और डीप फ्राई करूँगी। अच्छा, ये इस तरह से है कि मैंने अंडे में डिप किया है और सारे स्लाइसेस को अब मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मीडियम हीट पे फ्राई मैं करूँगी। अच्छा, एक साइड से जब कलर आ जाएगा ना तो फिर साइड चेंज कर लेनी है। अच्छा, देखिए, ऑयल मैंने इतना बीच में ऐड किया है कि बस अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा डीप फ्राई वाला वो मैं कह रही थी, लेकिन इतना मैंने नहीं किया, बस ऐसे है कि अच्छे से फ्राई हो जाए, इतना ऑयल मैंने बीच में ऐड किया है। और आपको किचन चेंज लग रहा होगा, ये मेरी मम्मी का घर है और उनका किचन है, यहाँ पे मैं आई हूँ, लेकिन वीडियोस को रोकना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, उनके साथ शेयर करूँगी। इनका आपको चेंज लग रहा होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे देखते हैं, उन्हें किचन को मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये मैंने डिश आउट कर दिया है, साथ में केचप सर्व किया है। केचप के साथ बड़ा ही अच्छा कम्बिनेशन इसका बना था। काइंडली अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। देख रहे मुझे इतने अच्छे लग रहे, ऑब्वियसली खाने में इतने मज़े, इतने ज़बरदस्त है।
दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।